नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 33 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,738 है, मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,096 पहुंच गया है और जितने लोग रिकवर हुए हैं उनकी संख्या 2,97,546 है, यानी कि रिकवरी रेट 98% तक ओमान में दर्ज किया जा रहा है इस समय। और पिछले 24 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में इस समय हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले कुल रोगियों की संख्या केवल 33 है और जिसमें से 20 लोग आईसीयू में एडमिट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक जानकारी साझा करते हुए बताया है कि जिन रोगियों के अंदर कोविड-19 के प्रति जो प्रतिरोध क्षमता है उनके अंदर कम है तो उनको हम बूस्टर खुराक देने के ऊपर भी बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि जिन जो व्यक्ति बूढ़े हो चुके हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या फिर उनको कोई पुरानी बीमारी और उन्होंने वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया है लेकिन यदि जांच में पाया जाएगा कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है कम है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बूस्टर शॉट यानी कि एक और डोज लगाया जाएगा। हालांकि इसका जो फाइनल डिसीजन विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेना है। वोडाफोन ओमान के तीसरे ऑपरेटर के रूप में सेवाएं देने के लिए तैयार है, जो कि ओमान में 4G और 5G की सेवाएं ये लोगों तक पहुंचाएगा। खुदरा मार्केट हो या फिर व्यावसायिक मार्केट हो, जब ज्यादा ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो तीनों ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं ग्राहकों को देने की कोशिश करेंगे। जो कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी और लोगों के पास ऑप्शन भी होगा कि आप किन ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वोडाफोन ने जानकारी दी है कि अपने 5G नेटवर्क को संचालित करने के लिए हम वैश्विक दूर संचार की दिग्गज एरिक्सन कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनके साथ मिलकर के हम ओमान में 4G और 5G की सेवाएं लोगों को और बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। ओमान की जो जलवायु है अन्य गल्फ कंट्री से काफी अच्छी है। यहाँ पे अनार, जैतून, आलू, अखरोट, अंगूर, नाशपाती जैसे अन्य पौष्टिक चीजें किसान उगाते हैं और मार्केट में इसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो अनार के बारे में किसानों ने एक शिकायत की है उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से कि हमारी जो कीमतें हैं काफी कम है और जो ग्राहक है वो हमारा सामान नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अनार आपको 1 ओमानी रियाल में मिल रहा है और जबकि 1 ओमानी रियाल में यमन के 9 अनार आप खरीद सकते हैं, तो क्यों कोई 1 ओमानी रियाल में ओमान का अनार खरीदेगा। इसके बारे में एक रिक्वेस्ट इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ओमान की फेमस माउंटेनियर नादिरा अलहर्थी ने बुधवार की सुबह 6:30 बजे नेपाल में दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी मनासूल, जिसकी ऊंचाई 8,163 मीटर है, इस पे फतह हासिल कर ली है। इसके ऊपर ओमानी झंडा इन्होंने सवेरे 6:30 बजे लहरा दिया। वह यूरोप, अमेरिका, एशिया सहित विभिन्न देशों के 35 सदस्यों के साथ 25 दिनों के चढ़ाई के बाद इस मिशन पे ओमान ने संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए ब्रॉडबैंड की गति में 15वां स्थान विश्व में हासिल किया है। ओमान की ई गवर्नमेंट भी विश्व में औसत से ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं दुनिया भर में टॉप 20 कंट्री में इसको शामिल करती हैं। ओमानी सरकार ने विभिन्न देशों के 22 लोगों को 10 साल और 5 साल का वीजा दिया। जो भी इन्वेस्टर हैं ओमान में इन्वेस्ट किए हैं 50,000 ओमानी रियाल से अधिक इन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्हीं को दिया जाएगा और आपके कंपनी में कम से कम 50 ओमानियों को काम मिलना चाहिए तभी आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको 5 साल या 10 साल का जो वीजा है वो मिले। लुलू ग्रुप, जी हाँ, हाइपर मार्केट की बहुत बड़ी चेन है जो अरब कंट्रियों में अपने स्टोर चलाती है और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं यूसुफ अली को भी ओमान का 10 साल का इन्वेस्टर वीजा मिल चुका है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कुवैत के सुल्तान अल सबा को 1 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर बधाई संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की हम कामना करते हैं। यदि आप ओमान में रहते हैं और आपने वैक्सीन लगवा भी ली है तो आपके मोबाइल में तारसुद प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल होना अनिवार्य है। यदि इंस्टॉल नहीं किया है आपने तो अपने वैक्सीनेशन का एक हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि इसके बिना आप होटलों में, मॉल्स में, दुकानों में, कहीं सार्वजनिक जगहों पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में तारसुद एप्लीकेशन में फोटो आईडी को अपडेट कर दिया गया है, यानी कि आपके जो मोबाइल में जो सर्टिफिकेट दिखता है उसमें आपका फोटो भी दिखेगा, यानी कि अब आप जब एंट्री करेंगे किसी भी मॉल या दुकान में तो आप जब ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उसमें आपकी फ़ोटो भी रहेगी, जिससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा और लोगों को फटाफट एंट्री मिल सकती है।
ओमानी सरकार ने ओमान विजन 2040 के योजना के हिस्से के रूप में अर्थव्यवस्था में अधिक विदेशी प्रतिभा और निवेश को आकर्षित कराने के नए नए अवसर को विकसित कर रही है, और इसी के लिए जो 10 वर्षीय और 5 वर्षीय इन्वेस्टर वीजा का ऐलान किया गया है। देखिए, ओमान की कुल जनसंख्या 45 लाख के करीब है और इसमें 61.2% लोकल ओमानी है, बाकी 38.8% प्रवासी हैं। रॉयल मैन पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि मुसन्नम के गवर्नमेंट में तटरक्षक पुलिस के सहयोग से 3 एशियाई नौकाओं को हमने जब्त किया है, जिसके ऊपर 9 विदेशी घुसपैठिए ओमान में बहुत बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी करने के फिराक में थे। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके सभी चीजें जब्त कर ली गई हैं। ओमान के निवास कानून के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत में 23,529 नए कोविड मामले सामने आए हैं, 311 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में दर्ज एक्टिव केस इस समय जो मौजूद है उनकी संख्या 2,77,020 है और टोटल जो मृत्यु है वो 4,48,062 हो गई है। टोटल वैक्सीनेशन की संख्या 88,34,00,000 पे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 65,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। देखिए, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय कोविड शील्ड वैक्सीन को ही प्रेफर कीजिए। हालांकि कोवैक्स के ऊपर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इसके मान्यता मिलने में कुछ समय लग सकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।